देखिए, एक चीज़ बहुत साफ है कि 200 या 13 पॉइंट रोस्टर में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट होना चाहिए कि जो कोर्ट का फैसला है वो ये नहीं है कि 13 पॉइंट रोस्टर लागू हो, बल्कि ये है कि जो रोस्टर का विभाजन हो वो किस तरीके से हो, क्या वो विषयवार तरीके से हो, विषय के आधार पर हो, या इंस्टीट्यूट संस्था, चाहे वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी, उसके आधार पर हो। अगर आप हम देखें तो पिछले लगातार सालों से पहली बार 2006 में यूजीसी ने गाइडलाइन भेजा था, स्ट्रिक्टेड गाइडलाइन, जिसमें गवर्नमेंट की ओर से इंस्ट्रक्शन था, जिसमें साफ कहा गया था कि रोस्टर को, चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर पर भर्ती हो रही हो या एसोसिएट पर या प्रोफेसर पर, तो उसमें पूरे कॉलेज एज ए इंस्टीट्यूट माना जाए, पूरे यूनिवर्सिटी को एज ए इंस्टीट्यूट माना जाए, और उसके आधार पर 7.5%, 15% या 27% का आरक्षण जो है वो बांटा जाए। स्वाभाविक तौर पर इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी लागू होते होते 2013 में आया, और जिस तरीके से लागू हुआ हम लोग उससे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उसमें अल्फाबेटिकल तरीके से अरेंज किया हुआ था, पूरे कॉलेज के जितने सब्जेक्ट के आधार पर अल्फाबेटिकली उसको तैयार किया गया था, लेकिन फिर भी 200 पॉइंट रोस्टर था। अभी जो कोर्ट का फैसला है उसमें एक स्पष्ट तौर पर है कि सब्जेक्ट को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया, कि सब्जेक्ट के बेस पर रोस्टर को बनाया जाए। अब इसका एक क्या अंतर है ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी डिपार्टमेंट 14 से ज़्यादा, 14 या 14 से ज़्यादा, 14 या उससे अधिक हैं, वहाँ पर आप SC ST OBC का जो पॉइंट है, पोजीशन है, आप उसके आधार पर अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि ST का पोजीशन 14th आता है रोस्टर में। पहला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जनरल, नंबर 4 OBC, नंबर 5 6 जनरल, 7th जो है वो SC के लिए आता है, फिर 8 9th और सो ऑन। कहने का मतलब, अगर 14th पोस्ट जो ST आता है, अगर 14 से कम का डिपार्टमेंट है, तो वहाँ वो तब आएगा जब रिटायर होने के, जो लोग रिटायर होंगे पहले वाले, उसके बाद नंबर अगर आगे खिसकता है तो उसका नंबर आएगा 14th में। और इस आधार पर अगर देखें तो छोटे डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं, आप देखेंगे कि जैसे पंजाबी बंगाली कॉलेजों में एक या दो, या जहाँ BA प्रोग्राम के कोर्सेज हैं सिर्फ, वहाँ एक या दो तीन पोस्ट होती है, तो ऐसी स्थिति में एक अच्छा खासा डिपार्टमेंट है जिसमें कभी भी वो नंबर बहुत लंबे वक्त के बाद भी आना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हमारी समझ बहुत साफ है कि आप जो टू कोर्ट का भी एक समझ है, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा हूँ, कि डिपार्टमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर देखिए कि जहाँ जिन यूनिवर्सिटीज़ में या जिन स्टेट्स में एक जगह पूरे इसका अपॉइंटमेंट होता है, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, जहाँ पूरे राजस्थान के प्रोफेसर्स का अपॉइंटमेंट होता है, वहाँ हर सब्जेक्ट का रोस्टर बनाया जाता है, और उसमें फिर पॉइंट के बेस पर वो होता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा नंबर में वैकेंसीज हैं या पोस्ट हैं, जिसके बेस पर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ ये प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है, और ख़ास करके जो अभी दिखाई दे रहा है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पिछले लगातार दिनों में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं, पिछले 5 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं, वहाँ पर बहुत बड़े तादाद में ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके नंबर बहुत कम हैं, और बड़ी संख्या में वहाँ रोस्टर में ST और OBC के पोस्ट को डिनाइल किया जा रहा है, कहीं कहीं SC का भी पोस्ट जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर गहराई से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में दिखाई दे रहा है, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ठीक करना होगा, क्योंकि पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही इंस्ट्रक्शन दिया था, तभी ये रोस्टर सिस्टम बदला था, जो 2006 का UGC का गाइडलाइन था।
साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये 10% का अभी EWS का आया है इंस्टीट्यूशंस में, ये एक चुनावी स्टंट के तौर पर है, चुनाव के ध्यान में रखते हुए 3 दिन के अंदर बिना किसी डिबेट बिना किसी डिस्कशन के इसको पास कर दिया जाता है। और यहाँ रोस्टर का इतना बड़ा प्रॉब्लम जो पिछले एक साल से चल रहा है उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और अब देखिए ये 10% का आपने जो EWS का आपने दिया उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, पिछली बार OBC में अगर दिया गया था कि रिजर्वेशन दिया गया था स्टूडेंट्स को भी, तो एक उसके साथ पैकेज था, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिसको हम कह सकते हैं, अगर आप नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स के तो स्वाभाविक तौर पर क्लासेस बढ़ेंगी, टीचर्स के नंबर बढ़ेंगे, और अगर आपने उसका ध्यान नहीं किया सिर्फ नंबर बढ़ा दिया तो इसका असर सीधा सीधा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर पड़ेगा, ये तो बहुत साफ है। और दूसरा, अब आपको रोस्टर बनाना ही है क्योंकि 10% आपने रिक्रूटमेंट में भी किया है, तो स्वाभाविक तौर पर अब फिर से एक रोस्टर जो है वो बनेगा, और जब रोस्टर बनेगा तो उस समय जो कोर्ट का इंस्ट्रक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए कि डिपार्टमेंट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो मसला है और टोटल नंबर जो उनको संविधान से मिला हुआ है, चाहे वो 7.5% का हो, 15% का हो या 27% का हो, वो ख़त्म ना हो, इसका ध्यान करते हुए सरकार को इमीडिएट तौर पर DOPT के साथ बैठ के एक रोस्टर को फिर से डिफाइन करके इसको ऑर्डिनेंस लाना चाहिए, और ये अगर नहीं होता है तो पूरे हायर एजुकेशन में एक क्राइसिस की स्थिति होगी। ये जो आपने देखा होगा कि 3 स्टेट्स के चुनाव में जहां BJP की भारी हार होती है, और उसमें ये एक अंडरकरेंट जिसको कहें कि सबको जो भाजपा को भी ये मैसेज है कि दलित एट्रोसिटी एक्ट के ख़त्म होने के बाद जो देश भर में आंदोलन हुआ, हड़ताल हुआ पिछले साल, और उसके बाद इन्होंने दलित एट्रोसिटी एक्ट को फिर से ऑर्डिनेंस बना के उसको इमीडिएट लागू किया, और इसका परिणाम हुआ कि वो जो सवर्ण वोट बैंक था इनका, जो बेसिक वोट बैंक रहा है, उसमें एक रिएक्शन आया। दूसरी तरफ राम मंदिर का मुद्दा लगातार ये पिछले दिनों में वो कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में इन दोनों ही मुद्दों के आधार पर जब इन्हें एक सवर्णों में एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है तो उसके लिए ये 10% का सगुफा लेकर आए हैं। लेकिन ध्यान करने की बात ये है कि ये 10% का अगर आता है तो क्या ये 10% निजी क्षेत्रों के लिए भी है? क्या निजी क्षेत्रों में भी जो, क्योंकि हायर एजुकेशन में सबसे बड़ी तादाद आज के डेट में प्राइवेट प्लेयर्स की हो चुकी है, उनका नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। गवर्नमेंट के पब्लिक इंस्टीट्यूशन की स्टेट्स में तो बहुत ही बुरी हालत है, कुछ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की हालत बच गई है, और वहाँ भी सरकार लगातार इस चीज़ को पुश कर रही है कि वो HEFA से लोन ले और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए। तो स्वाभाविक तौर पर 10% के आरक्षण बढ़ने का सीधा परिणाम होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी करनी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ोतरी का मतलब है कि उनको ग्रांट की जगह, क्योंकि ग्रांट का कोई प्रोविज़न इसके साथ नहीं आया है, आपको HEFA से लोन लेना होगा, और लोन अगर आप ले रहे हैं तो सीधा आप प्राइवेटाइजेशन कमर्शलाइजेशन की तरफ धकेल रहे हैं। तो एक तरफ तो आप 10% का आप एक झुंझुना थमा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उन तमाम सेक्टर, चाहे SC ST OBC हो या जनरल कैटेगरी, जो थोड़ा बहुत पब्लिक हायर एजुकेशन सिस्टम बचा हुआ है उसको भी प्राइवेटाइज करने के, कमर्शलाइज करने की तरफ धकेल रहे हैं। आज अगर आप दुनिया के दूसरे देशों में भी जहां पहले इस तरह के प्रोसेस चल चुके हैं वहां भी अगर आप देखेंगे तो आज वहां भी फीस के बढ़ोतरी के साथ साथ जो लोन पर आधारित एक सिस्टम जनरेट किया गया, वहाँ लगातार पिछले दिनों में लोन न चुकाए जाने से बैंकिंग क्राइसिस भी दिखाई दिया। हम लोग जिस तरह के क्राइसिस में ऑलरेडी धसे हुए हैं, वहाँ अगर एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को और पीछे धकेलने की कोशिश होगी तो भविष्य तो खतरनाक है, और इस खतरनाक भविष्य को बचाना है तो
सड़कों पर आना होगा, और इसीलिए आप देखेंगे कि देश भर के तमाम लोग यूजी से पीजी तक संगठित हो रहे हैं। स्टूडेंट, कर्मचारी, टीचर, ये लोग सभी एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, और अभी फरवरी के 19 तारीख को एक बड़े पैमाने पर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग संसद मार्ग पर धरना करने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं, और उसमें मूल मुद्दा यही है, सेव एजुकेशन सेव नेशन। तो अगर हमें एजुकेशन देश को बचाना है तो एजुकेशन सिस्टम को बचाना ही होगा, यही हमारा विकल्प हो सकता है, और कोई विकल्प संभव नहीं।